क्या वाकई तुम्हारे मगरूर और बदमिजाज चाचू ने तुम्हें खुद मेरे पास भेजा है? हम सच कह रहे हैं, हमें लगता है वो आपको बहुत पसंद करते हैं। हाय, मैं भी उनको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन गलती से भी ये बात उनको मत बता देना। हाँ ठीक है। परिया आंटी, वालेकुम अस्सलाम, आइए तशरीफ लाइए। थैंक यू। अमानुल्लाह, चाय लेके आओ यार। नहीं नहीं, इसकी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है, मैं तो दवाइयाँ लेके आई थी। दवाइयाँ किस चीज़ की? वो दादी जान कह रही थी कि दवाइयाँ ख़त्म हो गई हैं, तो मैंने कमाली हाथ मंगवा ली थी। लेकिन दादी जान है कहाँ? अपने कमरे में होंगी, मैं देख कर आती हूँ। नहीं रुकिए, वो असल में घर में नहीं है। ओह अच्छा, चले फिर मैं चलती हूँ, ये दवाइयाँ आप उनको दे दीजिएगा। सुनिए जी, वो असल में मैंने आपका शुक्रिया अदा करना था। दादी काफी तारीफ करती हैं आपकी, क्योंकि आप उनका बहुत ख्याल रखती हैं। दादी ना दरअसल खुद बहुत अच्छी हैं, उनसे बातें करना, उनका ख्याल करना मुझे बहुत पसंद है। पढ़ रही हैं आप? जी जी, मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में हूँ, लेकिन आजकल गैप है। तो और वो परी गालिबन आपकी बहन है? कह सकते हैं, लेकिन असल में मेरी कजन है। अच्छा, अभी मैं कहूँ दोनों बहनों के मिजाज में इतना फर्क क्यों है? ऐसी लाडली लगती है वो घर वालों की, तभी थोड़ा बचपन आया उसमें। परी ना बहुत सादी है और कभी कभार सादगी में बेवकूफ़ी भी कर जाती है, लेकिन उसके लाड उठाएगा कौन? जब वो छोटी थी ना, तो उसके वालिद की वफात हो गई थी और फिर वो अपने ननिहाल मतलब हमारी तरफ रहने लग गई। लेकिन जब वो 5-6 साल की थी, तो उसकी वालदा की वफात हो गई, तो सोच हुआ जानकर। इसलिए ना उसको बच्चों से बहुत मोहब्बत हो गई है, वजह अपने खुद की महरूमी है ना। चलें मैं चलती हूँ।